वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सब क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन 1 कंप्लीट करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं सब क्वेश्चन 1, जिसमें हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए बी एंड सी, और उसके कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है। हमको चेक करना है वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियरिटी इसके पहले भी हमने चेक किया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए यहां पे हम लोग कोलिनियरिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है, जैसे पॉइंट ए बी सी, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, देन इनके जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे। दैट मीन्स ए बी का जो स्लोप होगा सेम स्लोप होगा बी सी का भी। सो हम क्या करेंगे, ए बी एंड बी सी इन दोनों के स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर स्लोप इक्वल है दैट मीन्स वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी। सो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब जैसे कि फॉर्मूले में y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। सो पॉइंट ए एंड बी में से एक को हम कंसिडर करेंगे, मतलब एक के कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे x2 y2। सो यहां पर हमने सपोज कंसिडर कर लिया, ये है हमारा x1 y1 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया हमारा x2 y2। अब इसके अकॉर्डिंग टू x1 का वैल्यू माइनस वन है, y1 का वैल्यू माइनस वन, x2 का वैल्यू जीरो, y2 का वैल्यू वन। ये वैल्यूज यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y2 का वैल्यू वन है माइनस y1 का वैल्यू है माइनस वन डिवाइड बाय x2 का वैल्यू है जीरो एंड x1 का वैल्यू है माइनस वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया जीरो प्लस वन। अब न्यूमरेटर में वन प्लस वन जो कि टू होता है और डिवाइड बाय जीरो प्लस वन है वन। डिनोमिनेटर में अगर वन है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, दैट मीन्स ये है सिंपली टू। सो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी हमको मिला है टू। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट बी सी। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी, तो अब ये जो x1 x2 y1 y2 ये जो पॉइंट्स है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट बी एंड सी पे फोकस करेंगे हम लोग। दैट मीन्स बी एंड सी में से एक को कंसिडर करेंगे हम लोग x1 y1 और दूसरे को x2 y2। सो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को कंसिडर किया हमने x1 y1 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को कंसिडर किया x2 y2। वे वैल्यूज हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले। सो y2 माइनस y1 मीन्स y2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय
डिनोमिनेटर में है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का वैल्यू जीरो एंड सॉरी एक्स टू का वैल्यू वन एंड एक्स वन का वैल्यू जीरो, तो ये हो गया वन माइनस जीरो। थ्री माइनस वन ये होता है टू एंड वन माइनस जीरो वन, दैट मीन्स अगेन ये आ गया टू। सो यहां पर भी स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी हमको टू मिला था और स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी हमको टू मिला है। इसको हम लिमिट एज वन और इसको हम कंसिडर करेंगे ये टू है हमारा। सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी। सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। देखिये जब लाइन के स्लोप इक्वल होंगे और उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, जैसे स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी टू है एंड स्लोप ऑफ अ लाइन बी सी भी टू है, और इन दोनों लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट कॉमन है, जैसे ये ए बी तो पॉइंट ए एंड बी से बना हुआ है और ये बी एंड सी, तो इन दोनों में पॉइंट बी कॉमन है। सो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर पॉइंट कॉमन नहीं है दैट मीन्स अगर ये ए बी है और ये मे बी होता था सी डी, तो उस वक्त लाइन जो पॉइंट से वो कोलिनियर नहीं होते थे, वो लाइन सेगमेंट क्या होते थे, पैरेलल। जब स्लोप इक्वल होते तो उसके दो मीनिंग होते, एक तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या फिर वो जो लाइन है वो पैरेलल होगा। तो अगर पॉइंट्स अलग अलग है लाइन के तो क्या होंगे, पैरेलल, और कोई एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन के अंदर तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। सो सिंस ए बी एंड बी सी इसमें पॉइंट भी कॉमन है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।